नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज है वैसे 2nd of November और अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ और रेडी हूँ। तो चलो मैं आपको आज अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगी कि कैसे मेरा कॉलेज रूटीन होता है। वैसे आज मैं बाहर भी जाने वाली हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। And this is my outfit of the day. This top is from Guess and the bottom is from H&M. This combination is so perfect and very comfortable and obviously perfect for a college student. So I am leaving for college now. If possible, I am surely gonna vlog, but it's all about my comfort zone. थोड़ा बहुत shy feel होता है मुझे, but मैं try करने वाली हूँ आज। तो चलो चलते reached my college and now I have my practicals. I did try to capture some moments and here it is. So practicals are over and now I am leaving. This is the Mithibai complex. We have our lectures and practicals in this complex. If you're ever coming to Vilayapale West, then do try this lassi here, which is opposite to Bank of Baroda near Vilayapale station. So Bandra station is getting renovated. It was built in British era and I love the architecture of this station, so I just thought of capturing some cinematic shots. मैं इस वीडियो को यहीं पे इंटरप्ट कर रही हूँ। तो कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी हिल रोड मार्केट, जो कि बांद्रा में है। हमने वहाँ का जो भी लेटेस्ट विंटर कलेक्शन है वो चेकआउट करना था, तो मैंने साथ ही साथ थोड़ा वीडियो वहाँ का जो भी कलेक्शन का है वो कैप्चर की हूँ। अगर आप में से किसी को भी फिलहाल में बांद्रा से शॉपिंग करने का मन है, आप उनका जो रिसेंट कलेक्शन है वहाँ का वो इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा वो वीडियो। Went to the most famous thrift store in Bandra, which is Bombay Closet. वैसे स्टोर के लोकेशन को ढूंढते ढूंढते हमें बहुत वक्त लग गया था। ये लोकेटेड है लिंकिंग रोड पे, तो हम हिल रोड से लिंकिंग रोड तक चल के गए थे इस स्टोर के कलेक्शन को चेकआउट करने के लिए। So the other day I went to town side and in this video you're gonna get a mini tour of town side and suburb side of Bombay. Do comment down which is your favorite place in Mumbai and please share this video. Subscribe my channel if you haven't and press that bell icon so that you get notified every time I post a new video. This is the Asiatic Library. It is an iconic landmark of Mumbai and it is located in South Bombay. I absolutely love the architecture of Townside. It has such beautiful structures and monuments which was built in colonial era, and now I have reached Kala Ghoda. This is the best video I've ever captured. Coincidentally, the bus came and the video has turned out to be superb. I am mesmerized and adoring the beauty of Townside. These structures are so Instagrammable and
ऑब्वियसली कैप्चरेबल. सी द मोमेंट्स विच आई हैव रैंडमली कैप्चर्ड एंड इट हैज़ टर्नड आउट टू बी सो गुड. नाउ आई रीच ज़ारा. आई हैड सम वर्क टू गेट डन. मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया हुआ था क्योंकि कार्तिक मास चल रहा था और मैंने बहुत अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स क्लिक करने की कोशिश की हूँ. आई होप आप सभी को पसंद आए. अगर आप में से किसी को पता ना हो तो ये बाबुलनाथ मंदिर है और ये मुंबई के मालाबार जगह पर स्थित है. हाय एवरीवन, शाम के बज रहे 7. मैं रिटर्न आ चुकी हूँ बाहर से और 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग बन गया है और 7 में अपलोड करूँगी. और अभी मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता करने और आप लोग जुड़े रहिए. मैं वैसे बाहर तो बहुत शाई फील करती हूँ वीडियो बनाने के लिए पर घर में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ तो व्लॉग नहीं कर पाती हूँ मैं बाहर. और घर में बहुत खुशी खुशी फ़ोन लेके मैं वीडियोस बनाती हूँ. इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए मुझे थोड़ा समय जाएगा पर आई होप मैं ऐसे कंफर्टेबली बाहर भी व्लॉग कर पाऊँ. जुड़े रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ मैं. मुझे वॉफल्स की क्रेविंग हो रही थी तो मैं चली गई खाने के लिए. आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मैं आप सभी से मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. बाय.